10 जुलाई 1949 एक ऐसे खिलाड़ी, एक ऐसे बल्लेबाज का जन्म हुआ था जिन्होंने उस दौर में भारतीय क्रिकेट टीम का रुख बदल दिया जब पूरी दुनिया में तेज तर्रार और जबरदस्त गेंदबाजों का बोलबाला था। एक ऐसे खिलाड़ी जिसे किसी परिचय की कोई जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ बरखा और स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज यूपी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं द लेजेंड सुनील गावस्कर की, जिनका आज जन्मदिन है। हमारे साथ जुड़े हैं अमित कनौजिया जो एक एडिटर है और जिन्होंने कई क्रिकेट मैचेस कवर भी किए हैं। नमस्ते सर, स्वागत है हमारे शो में। बहुत बहुत शुक्रिया बरखा एक बार फिर बुलाने के लिए। बिल्कुल सर। सर, सबसे पहला सवाल मेरा, क्या होता है सुनील गावस्कर होना? देखिए, सुनील गावस्कर अपने आप में इतनी बड़ी हस्ती रहे हैं, मुझे लगता है कि भारतीय क्रिकेट में वो रोल मॉडल रहे हैं जिन्होंने कई पीढ़ियों को इंस्पायर किया है अपनी बल्लेबाजी से, और ख़ास तौर पे जो भारत को आज के दौर पे पिछले 20-30 सालों में भी कहा जाता है कि भारत में बल्लेबाज एक से बढ़कर एक बल्लेबाज हुए हैं। हालांकि ये दौर गावस्कर से पहले भी था, सुनील गावस्कर से पहले भी था, कई बल्लेबाज थे उनके साथ ही खेले हुए, दिलीप सरदेसाई हों, अजीत वाडेकर हों, उनसे पहले मंसूर अली खान, पंकज रॉय, ऐसे कई बड़े दिग्गज नाम थे, लेकिन सुनील गावस्कर ने भारतीय क्रिकेट पर वो अपनी सुनहरी छाप छोड़ी कि उसके बाद हर आने वाला बल्लेबाज सुनील गावस्कर बनना चाहता था जी। और अभी भी मैं था जब कह रहा हूँ तो सचिन तेंदुलकर के आने के बाद से चीज़ें बदली और विराट कोहली के आने के बाद और चीज़ें बदली, लेकिन अभी भी सुनील गावस्कर उन सभी के रोल मॉडल हैं। अगर किसी को बल्लेबाजी सीखनी हो, या कहते हैं ना कि आप किसी बल्लेबाज को बल्लेबाजी करते देखते हुए कभी कभी सीखते हैं, तो सुनील गावस्कर उस लिस्ट में सबसे पहले बल्लेबाज होंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि भारतीय क्रिकेट इतिहास में सुनील गावस्कर एक संपूर्ण बल्लेबाज है। जिनकी तकनीक की बात करें तो लाजवाब थी जी। जिनके बल्लेबाजी की पेशेंस की बात करें, टेस्ट मैच में उन्होंने 10,000 से ज़्यादा रन बनाए, ये कोई अपने आप में करिश्मे से कम नहीं था। दुनिया के पहले बल्लेबाज थे जिन्होंने 10,000 टेस्ट रन बनाए, और बेहतरीन तकनीक के साथ एक से एक दिग्गज गेंदबाजों का सामना करते हुए, और उस दौर में जिस दौर में आपने खुद भी कहा कि तेज गेंदबाजों का जलवा था, या कह ले कि तूती बोलती थी, उनका सामना किया बगैर हेलमेट के। हेलमेट की बात आपने करी सर, वो हेलमेट क्यों नहीं लगाते थे, क्या इसके पीछे क्या वजह है? मैंने उनको कहीं इंटरव्यू में सुना था कि उनसे भी यही सवाल पूछा गया कि आप वो जो पनामा कैप पहन के ही क्यों खेलते थे, तो उनका जवाब आया कि उस हेलमेट को लगाने से भी कोई बहुत फ़ायदा नहीं था, तो इससे बेहतर वो पनामा कैप या बैगी ब्लू कैप जिसको कह सकते हैं, वो कैप लगाकर खेलते नजर आए। उन्होंने अपने पूरे करियर में, खासतौर पर वेस्ट इंडीज़ जैसे जिसको सबसे मुश्किल दौरा माना जाता है, वहाँ पर भी उन्होंने वेस्ट इंडीज़ कैरबियाई तेज़ गेंदबाजों का सामना वही कैप पहन करके किया, और बिना खास, उन्होंने उनके जो एल्बो गार्ड वगैरह भी होते थे वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कहते हैं ना कि आज के दौर में जितने तकनीक है, जिस तरीके की सेफ्टी गार्ड्स भारतीय या किसी बल्लेबाज के लिए है दुनिया के क्रिकेट में, उस दौर में नहीं थे, लेकिन उन्होंने बहादुरी के साथ सामना किया और बहुत रन बनाए, कुछ नहीं बहुत रन बनाए, जिसका उन्होंने कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, मैंने ये महेंद्र सिंह धोनी के लिए भी कहा था। इन्होंने अपनी पहली सीरीज में 772 रन उन्होंने बनाए थे जी, और 4 शतक लगाए थे, तो आप समझ सकते हैं कि अपना पहला दौरा महज 21-22 साल की उम्र, और वेस्ट इंडीज जैसी बड़ी टीम जिसमें सोबर्स, रोहन कन्हाई जैसे, और उसी में क्लाइव लॉयड और कई ऐसे दिग्गज वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर जिन्होंने दुनिया के क्रिकेट पर राज किया अपने परफॉर्मेंस से, वेस्ट इंडीज़ टीम को अजेय बनाया, उनके खिलाफ खेलते हुए 4 शतक लगा देना, तो ये बता दिया था कि सुनील गावस्कर हैं, और ये आने वाले कई सालों तक सिर्फ भारतीय क्रिकेट पर नहीं दुनिया के क्रिकेट पे राज करने वाले हैं। बिल्कुल। अब उनके बैटिंग के बारे में बता रहे थे, उनकी बैटिंग स्टाइल के बारे में कुछ आप बताएं कि कैसी थी उनकी बैटिंग स्टाइल। देखिए, टेस्ट मैच में उनका प्रदर्शन जो रहा, जिस तरीके के उन्होंने अपने दौर में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए, सबसे ज़्यादा शतक 34 उन्होंने लगाए, सबसे ज़्यादा टेस्ट रन उन्होंने बनाए जो कि एलन बॉर्डन ने बाद में तोड़ा, बाद में कई बल्लेबाजों ने उस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया, लेकिन
वो जो रन सुनील गावस्कर ने बनाए उसमें उनकी तकनीक का बहुत बड़ा रोल था, और दूसरी बात उनका उनकी एकाग्रता। टेस्ट मैच खेलते समय जो सबसे ज़रूरी होता है वो एकाग्रता, आप उस पेशेंस के साथ खेलते हैं, क्योंकि टेस्ट मैच आज के दौर में टेस्ट मैच काफ़ी बदल चुका है, जहाँ पे गेंदबाजों के पास ऑप्शन उतने नहीं रह गए जैसे उस दौर में हुआ करते थे। वो दौर था जब गेंदबाज के पास एक ओवर में 6 बाउंसर मारने का राइट था, वो तो बाद में कहा कम किए गए ताकि गेंदबाजों को भी कुछ बल्लेबाजों को भी कुछ वो मिल सके, और उस तरीके की पिचेस आती थी जो बहुत कवर्ड नहीं होती थी, मतलब आप जितनी पिच पूरे ऐसे ऐसे ग्राउंड्स कवर तैयार किए गए, पिच कवर करने के साथ ग्राउंड्स भी कवर कर दिए जाते हैं, तो वो जो पिच को जो मदद मिलती थी बारिश या किसी तरीके के मौसम से, वो अब उतनी उस दौर में तो बहुत खुला था, उतनी पूरी तरीके से वेल कवर्ड भी नहीं होती थी, जिसकी वजह से पिच में अगर मान लीजिए ओस पड़ रही है या हल्की फुल्की बारिश भी हुई तो पिच पे नमी भी आ सकती थी, काफ़ी मॉइस्चर, तो वो जो गेंदबाजों को मदद करने के सारे जो थे सारे के सारे वो थे, वो दौर था जब गेंदबाजों को ज़्यादा मदद थी और बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ता था। ऐसे दौर में एकाग्रता के साथ बल्लेबाजी करना, अपना उनका डिफेंस बहुत स्ट्रांग था, उनको आउट करना बहुत मुश्किल काम था, जब वो एक बार विकेट पर टिक जाते तो उनको आउट करना बहुत ही मुश्किल होता था। खुद इमरान खान जो कि अपने दौर के एक महान गेंदबाज रहे, उनका कहना था, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब उनसे पूछा गया कि किस बल्लेबाज को आउट करना सबसे मुश्किल था उनके लिए, तो उन्होंने सबसे पहला नाम सुनील गावस्कर का लिया था। तो आप समझ सकते हैं कि जब आपके विरोधी गेंदबाज जो कि अपने दौर के टॉप क्लास गेंदबाज थे वो ये कहे कि नहीं सुनील गावस्कर को आउट करना सबसे मुश्किल काम था, तो आप समझ सकते हैं कि सुनील गावस्कर किस टॉप क्लास कहते हैं वर्ल्ड क्लास बैट्समैन रहे, और किस तरीके से उन्होंने ना सिर्फ रन बनाए बल्कि भारत को विदेशों में जीत दिलाई, साथ ही भारत के नाम रोशन किया और बताया कि भारतीय बल्लेबाजों में बहुत दम है, वो दुनिया के किसी भी तेज गेंदबाज को खेल सकते हैं। बिल्कुल, आज के जो बल्लेबाज हैं जो प्लेयर्स हैं उनमें आप किसे देखते हैं कि हाँ ये सुनील गावस्कर जैसा है? देखिए ये बहुत मुश्किल सवाल है, मेरा मानना है कि सुनील गावस्कर एक ही है। हाँ। और एक ही रहेंगे, लेकिन मैं अगर थोड़ा सा पीछे जाऊं भारतीय क्रिकेट में सुनील गावस्कर के बाद कोई कंप्लीट बैट्समैन आया है वो है राहुल द्रविड़, जिनको द वॉल के नाम से जाना जाता था, वो इसी वजह से कहा जाता था कि एक बार वो विकेट पे टिक गए तो उनको आउट करना बहुत मुश्किल है। तो ये सुनील गावस्कर के बाद मुझे लगता है कि राहुल द्रविड़ वो बल्लेबाज हैं जिनको आप सुनील गावस्कर के करीब कह सकते हैं। मैं तब भी ये कहूँगा कि सुनील गावस्कर कहना अतिशयोक्ति होगी, लेकिन वो करीब कह सकते हैं, वो कंप्लीट टेस्ट बैट्समैन रहे। हालांकि राहुल ने बहुत अच्छा प्रदर्शन वनडे में भी किया, 10,000 से ज़्यादा रन है, लेकिन जो उन्होंने अपने विकेट की कीमत को जो पहचाना, जिस तरीके की तकनीक का इस्तेमाल किया, जो कि एक कंप्लीट प्रॉपर बैट्समैन जो कहते हैं कॉपी बुक बैट्समैन, जो कि किताबों में कहा जाता है कि एक अच्छे बल्लेबाज होने के लिए, एक टॉप क्लास बल्लेबाज होने के लिए आपके अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए, तो सारी काबिलियत राहुल द्रविड़ में थी। ओके सर, ये बताइए कि कानपुर से क्या कनेक्शन है सुनील गावस्कर? देखिए कानपुर वो शहर है जहाँ वो अपना दिल हार बैठे थे। उनकी जो पत्नी है मार्शलिन मल्होत्रा जी, वो कानपुर की हैं, तो कानपुर से उनका एक तरीके से ससुराल है, तो उनका एक कानपुर से खास कनेक्शन है। और एक चीज़ और मैं कहूँगा, कानपुर ही में ही खेलते समय मैल्कम मार्शल की गेंद पे सुनील गावस्कर के हाथों से बल्ला छूट गया था। ये बहुत मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इंसिडेंट था जो सुनील गावस्कर के हाथों से बल्ला छूट गया था मैल्कम मार्शल की गेंद। तो उस दौर की मीडिया ने बहुत कुछ लिखा उसके बारे में, और लेकिन उसके बाद अगला ही टेस्ट मैच में उन्होंने काफ़ी पिटाई भी की थी उसको जल्दी उन्होंने। और एक चीज़ और, उन्होंने 34 शतक लगाए और अपना जो आखिरी 34वां शतक लगाया उन्होंने कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में लगाया। तो इस तरीके से कानपुर से सिर्फ उनकी पत्नी का ही नहीं बाकी उनके क्रिकेटिंग करियर का भी एक कहीं ना कहीं कनेक्शन रहा, तो जो कि बहुत खास रहा है। तो सुनील गावस्कर और कानपुर के बीच में ये कनेक्शन है। ओके सर, एज अ कैप्टन आप सुनील गावस्कर को कैसे देखते हैं? देखिए एज अ कैप्टन एक टाइम था जब उस दौर में जो कैप्टेंसी थी बहुत फ्रिक्वेंटली बदलती थी, कभी सुनील गावस्कर कैप्टन बने, कभी वेंकट राघवन कैप्टन बने, कभी कपिल देव कैप्टन बने, फिर वापस सुनील गावस्कर कैप्टन बने, फिर कैप्टेंसी कपिल देव के हाथों में चली गई। ये वो दौर था जब कप्तान बहुत तेज़ी से एक सीरीज हारने के बाद आपके कप्तान बदल दिए जाते थे। अभी का जो पिछले आप देखेंगे पिछले 15-16 सालों का दौर, खासतौर पर 20 सालों का जो दौर देखेंगे,
उसमें क्या फिक्स कर दिया जाता है कि ये पूरे साल ही कैप्टन रहेंगे, लेकिन वो दौर बड़ा उथल पुथल वाला था, खासतौर पे कप्तानी के लिहाज से। तो कप्तानी के तौर पे भारतीय टीम ने 8 टेस्ट मैच जीते और ज़्यादा टेस्ट मैच ड्रॉ कराए और कई हारे भी, तो एक एवरेज रिकॉर्ड रहा। जिस तरीके के वो बल्लेबाज थे, मैं नहीं कहूँगा ख़राब था, लेकिन जिस वो कहते हैं ना वर्ल्ड क्लास लेवल के बल्लेबाज थे, उस तरीके की कैप्टेंसी उनकी उतनी कामयाब नहीं रही जितनी होनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी उनका कप्तानी का रिकॉर्ड एक जैसे बाकी कप्तानों का रहा है वैसे रहा। हालांकि उसे ऑल टाइम ग्रेट्स कैप्टन में नहीं माना जाता, लेकिन 1985 में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बेंसन एंड हेजेस कप एक सीरीज हुई थी ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान और भारत खेला, तो उसमें फाइनल में पाकिस्तान को हरा करके गावस्करी कप्तानी में ही भारत ने वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती थी। वो उस दौर में वर्ल्ड कप के बाद का सबसे बड़ा टूर्नामेंट था जिसे गावस्कर की कप्तानी में ही जीता था। तो ये बड़ी कामयाबी थी, और गावस्कर के भी करियर में कह सकते हैं टेस्ट करियर उनका ज़्यादा कामयाब रहा जी। 10,000 से ज़्यादा रन बनाए, 34 शतक लगाए, लेकिन वनडे में उनका सिर्फ एक ही शतक आया। 108 मैच खेले और सेकंड लास्ट, मतलब जो उनका आखिरी सेकंड लास्ट मैच था जो कहते हैं ना सेकंड लास्ट, वो न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने शतक लगाया। और आखिरी वनडे उनका 1987 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल था इंग्लैंड के खिलाफ, जिसमें कि टीम इंडिया हार गई थी और खिताब जीतने की उम्मीदों पर पानी फिर गया था सेमीफाइनल में, तो वो आखिरी वनडे था। और टेस्ट मैच उनका जो था 1987 में ही पाकिस्तान के खिलाफ था, हालांकि वहाँ पे वो शतक लगाने से चूक गए थे, वो 4 रन से 96 रन की पारी खेली, लेकिन वहाँ शतक लगाने से चूके वो आउट हो गए। बड़ी मुश्किल पिच थी वो, और वो वहाँ चूके वो मैच भी हार गई। लेकिन इस तरीके से उनका करियर, मुझे लगता है कि अगर आप जब डिफाइन करेंगे तो टेस्ट में बहुत शानदार रहा, बिल्कुल। और वनडे में 3,000 रन, ऐसा नहीं कि उस दौर की कोई खराब है, क्योंकि उस दौर में लोगों के 4,000-5,000 वनडे रन ही हुआ करते थे, उसमें 3,000 अगर सुनील गावस्कर के हैं। लेकिन जो कामयाबी उन्होंने बतौर बल्लेबाज टेस्ट में हासिल की, उसका कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने दौर के बड़े से बड़े गेंदबाज का सामना किया, चाहे माइकल होल्डिंग हो, मेलकम मार्शल हो, जॉयल गार्नर हो, और इमरान खान हो, डेनिस लिली हो, जेफ थॉम्सन हो, सरफराज हो पाकिस्तान के। तो ये वो बल्लेबाज, एक ऐसा बल्लेबाज जिन्हें उन्हें अपने दौर के टॉप बॉलर्स का सामना किया हो और 34 शतक लगाए हो, तो ये दर्शाता है ना कि कहने को लिटिल मास्टर है, लेकिन उनका कद क्रिकेट में कहीं बड़ा है। और जहाँ तक पहुँचने के लोग ख्वाब देखते हैं कि शायद हम सुनील गावस्कर की बराबरी कर पाएँ, लेकिन मुश्किल है सुनील गावस्कर की बराबरी करना। सुनील गावस्कर एक ही है, इसलिए तो उन्हें लिटिल मास्टर भी कहा जाता है। आज हमने बात करी द लेजेंड सुनील गावस्कर की। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली बार फिर से मुलाकात होगी एक नए खिलाड़ी के साथ, तब तक के लिए मुझे बरखा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।